हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ा है स्कॉर्पियो एन का Z4 वेरिएंट डीजल मैनुअल में। प्राइस पड़ती है लगभग 18 लाख ऑन रोड। बहुत डिमांडेड और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और बहुत लंबी वेटिंग चल रही है इस पर्टिकुलर वेरिएंट की। तो आप अगर इस वेरिएंट को लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए। कंप्लीट वॉक अराउंड हम करने वाले हैं और देखेंगे कि 18 लाख में ये कार हमको क्या क्या ऑफर करती है। टोटल 7 कलर ऑप्शन आपको इस कार में दिए जाते हैं, प्लस ये वाला जो है आपका 7 सीटर वेरिएंट है। आप चाहो तो 6 सीटर वेरिएंट की तरफ भी जा सकते हो। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से, ठीक है। तो आप फ्रंट में देखो, आपको मैट ब्लैक फिनिश में ग्रिल देखने को मिलेगी और यहाँ पे ना देखो, आपको ना क्रोम का यूज़ नहीं मिलेगा, सिल्वर सैटिन फिनिश में ये आपके स्लैट्स देखने को मिल जाएंगे। बीच में आपको क्रोम में महिंद्रा का लोगो जरूर देखने को मिलेगा। बॉडी कलर में आपके बम्पर्स हैं ग्रीन कलर में, कार बहुत बढ़िया लग रही है। नीचे आपके जो रेडिएटर ग्रिल है वो आपकी मैट ब्लैक फिनिश में है। नंबर प्लेट की प्लेसमेंट देख पाएंगे। देखो, हायर वेरिएंट में जो फ्रंट की स्किड प्लेट होती है वो सिल्वर कलर में है, इसमें नहीं है। बाकी नीचे देख सकते हैं, आपको मड फ्लैप भी यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं गाइस। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस आपका 187 mm का ये कार ऑफर करती है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। अंडरबॉडी देख लो, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलने वाली है। फ्रंट में कोई भी आपको पार्किंग सेंसर्स, पार्किंग कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं ऑफर किया गया है। लाइट सेटअप की बात करी जाए तो आपको हेलोजन बेस्ड लाइट सेटअप यहाँ पे देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्टर बेस्ड है। यहाँ पे आपको ये रहे आपके इंडिकेटर्स। नीचे आप देखोगे तो आपको कोई भी फॉग लैंप ऑफर नहीं किया जाता है। गाड़ी का बोनट काफ़ी ऊंचा है, बोनट पे आप क्रीचेस वगैरह देख सकते हो जो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। वाइपर्स आप देख लो, यहाँ पे बढ़िया वाले फ्रेमलेस वाइपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी हाइट देख रहे हो गाड़ी की कितनी ऊँची है, आप रूफ रेल्स वगैरह भी आप देख पाओगे। एक बार आते हैं ना साइड में, बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशन की। तो गाड़ी की पूरी लंबाई है 4662 mm की। व्हील बेस आपको 2750 mm का देखने को मिल जाता है और क्रोम का यूज़ आपको यहाँ पे भी साइड में देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा भी क्रोम का यूज़ नहीं किया गया है। बॉडी कलर में आपको डोर हैंडल्स हैं, देखो आगे पीछे दोनों। विंडो लाइन भी आपकी क्रोम में नहीं है, मैट ब्लैक फिनिश में, बेसिकली आपके ब्लैक फिनिश में। ORVMs आपके जरूर बॉडी कलर में दिए हैं विद टर्न इंडिकेटर्स। बाकी नीचे देख लो, नीचे आपको कोई भी क्रोम का यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। बात कर ली जाए टायर्स की तो आपको देखो ये रहे टायर्स अपोलो के। डायमेंशन है 245/65 R 17 inches के हैं। ऑल फोर डिस्क आपको ऑफर किए जाते हैं, स्टील व्हील्स हैं। बाकी व्हील कैप्स आपके इधर रखे हुए, देखिए दिख रहा है आपको, ये एक्सेसरीज सारी ना इस पर इंस्टॉल करने के लिए लगाई गई हैं। बाकी ये देख लीजिए, फ्रंट सस्पेंशन आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ये रही आपकी कंप्लीट साइड प्रोफाइल। एक बार ना पीछे आते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पे ना फ्यूल फिलर कैप दिया हुआ है, डीजल इनटेक और यूरिया वगैरह आप यहीं से भर सकते हैं। टैंक कैपेसिटी आपको 57 लीटर की देखने को मिल जाती है दोस्तों। एक बार रियर प्रोफाइल की बात कर लीजिए तो रियर प्रोफाइल से कार कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, बहुत बढ़िया लगती है। क्रोम का यूज़ कम है लेकिन उतनी ही अच्छी लग रही है। केवल महिंद्रा का लोगो जो क्रोम में देखने को मिलेगा। रियर में कोई कैमरा नहीं मिलेगा, ये आपकी लाइट है नंबर प्लेट के लिए। स्कॉर्पियो की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। बॉडी कलर में आपके ये हैंडल्स हैं, पीछे कोई आपकी की वगैरह नहीं है, ठीक है। ऊपर आपके रियर वाइपर है, डिफॉगर है, आई स्टॉप माउंट लैंप है। इधर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा स्पॉइलर देखने को मिलेगा, प्लस शार्क फिन एंटीना। बॉडी कलर में ये रहे आपके रूफ रेल्स आपके देखने को मिल जाएंगे। वहीं नीचे आएंगे तो 1, 2, 3, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर हैं। मैट ब्लैक फिनिश में आपका रियर बम्पर है, ये रिफ्लेक्टर के साथ आपकी ब्रेक लाइट, ठीक है। नीचे देखो स्पेयर टायर, स्पेयर टायर आपको स्टील व्हील्स देखने को मिलेगा और एग्जैक्ट साइज एकदम सेम है दोस्तों। बाकी अंडर बॉडी देख लो, सस्पेंशन वगैरह कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एक बार इसका ना बूट ओपन कर लिया जाए तो बूट कुछ इस तरह से आपका खुलेगा। स्ट्रट दिए हुए हैं जो अच्छी बात है, सब कुछ हार्ड है लॉक अनलॉक के लिए। यहाँ पे आपको ये वाइट कलर में, क्रीम कलर में देखने को मिल जाएगा। बूट स्पेस एकदम बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। बाकी देखो, अगर आप इन सीट्स को ऐसे फोल्ड कर लेते हो तो 460 लीटर का बूट स्पेस आपको बन जाएगा। इधर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है, बेस मॉडल से ही आपको ये देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। टूल्स वगैरह देखो कितने अच्छे से महिंद्रा रखती है, बाकी गाड़ियों में ना ऐसे फेंके रहते हैं और आवाज़ करते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे से रखे हुए हैं। इधर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, लेकिन टोटल वैसे शायद 4 ही स्पीकर हैं आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। इसको एक बार खड़ा कर देते हैं और चलते हैं आगे आप फ्रंट में। इधर आप देखो दो हेडरेस्ट पीछे की सीट के लिए दोनों मिलेंगे, दोनों एडजस्टेबल हैं, ठीक है। ये देखो एडजस्टेबल, पीछे से देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको कार देखने को मिलेगी, काफ़ी लंबी चौड़ी कार है, कार में बैठने में मज़ा आ जाता है। अब चला जाए अंदर, अंदर चल के देखें कि अंदर क्या क्या फीचर्स ये कार हमको ऑफर करती है। इधर कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, आपको दरवाज़ा ऐसे ही खोलना पड़ेगा। दरवाज़ा आपका देखो डुअल टोन में देखने को मिलेगा, सब कुछ हार्ड है। पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक, ORVM के कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सब आपको मैट ब्लैक फिनिश में है। ये आपका ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर की प्लेसमेंट, अम्ब्रेला तो नहीं आ पाएगा। स्पीकर टोटल 4 मिलते हैं। सीट्स की बात करें तो आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ सीट देखने को मिल जाएंगी, प्लस सीट्स की बात करी जाए तो आपको यहाँ पे सारी
कुशन शीट मिलेंगी, वो है आपकी फैब्रिक शीट्स है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करी जाए तो देखो कुछ इस तरह का ना एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है, पन्नी से दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए काफ़ी बढ़िया क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा, एनालॉग है लेकिन काफ़ी सुंदर लगता है। वहीं बात करी जाए स्टेयरिंग की तो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है, लेदर रैपिंग वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। इधर आप सारे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स देख पाएंगे, इधर आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर किया जाता है। हेडलाइट्स के कंट्रोल आपके ऑटोमेटिक नहीं है, आपके वाइपर्स के कंट्रोल भी ऑटोमेटिक देखने को नहीं मिलने वाले हैं। बीच में महिंद्रा का नया वाला लोगो, एयरबैग की बैजिंग, टोटल दो एयरबैग ऑफर किए जाते हैं। ये सिल्वर एसेंट आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। स्टेयरिंग कॉलम आपको केवल टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलता है। इधर आप देख सकते हैं ये रही आपकी इग्निशन स्विच की पोजीशन, ये रहा आपका हेडलाइट लेवलर। बाकी एक बार नीचे देख लो आप, ये आपका इंजन भी ओपन करने के लिए एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको 8 इंचेस की देखने को मिलेगी, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। वहीं नीचे देखेंगे तो आपको मैनुअल एसी ऑफर किया जाता है, बाकी सारे उसके कंट्रोल्स हैं, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये रही आपके हैजार्ड की स्विच, इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप स्विच, पैसेंजर एयरबैग ऑन और ऑफ करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है दूसरी साइड का, दो USB पोर्ट है, एक चार्जिंग के लिए कनेक्टिविटी के लिए, एक ऑक्स पोर्ट है, थोड़ा सा स्पेस है, वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगी। 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक, दो कप होल्डर, आर्मरेस्ट आपका हार्ड है, स्लाइडिंग भी नहीं है, प्लस स्पेस देख लो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिलता है। दोस्तों ये उठता है क्या? नहीं उठता है। सीट्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इधर आप देखेंगे तो आपको ये रहा ग्लव बॉक्स, कुछ इस तरह का छोटा सा ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा। ऊपर आ जाओ यहाँ पे, आप देखो इधर आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, कोई पैसे साइड में वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। सनग्लासेस होल्डर तो यहाँ दे रखे हैं, लाइट वगैरह आपकी यहाँ प्लेस है, देखो ये LED में है। मैनुअल IRBMs आपको ऑफर करे जाते हैं, बाकी डैशबोर्ड देख लो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये सारा ना स्टिचिंग वगैरह ये सब हार्ड है, ठीक है। ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ पे देखो दोनों तरफ देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी बढ़िया बात है। अब चलते हैं सेकंड रो में, सेकंड रो के सीटिंग कंफर्ट की बात कर ली जाए। सेकंड रो में आप देखो दरवाज़ा कुछ इस तरह से, सब कुछ यहाँ पे भी हार्ड है, पावर विंडो के कंट्रोल्स प्लस लॉक अनलॉक, ये सारे ग्रैब हैंडल्स सब मैट ब्लैक फिनिश में है। स्पीकर का यहाँ पे दे रखा है, देख लो इंटीरियर कुछ इस तरह से इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा, ब्राउनिश शेड में है, ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, स्टिचिंग वगैरह कुछ इस तरह की है। एक बार बैठ लेते हैं, देखो यहाँ पे ना अभी फुटरेस्ट नहीं है, फुटरेस्ट उधर बताया था ना रखा हुआ है, वो फुटरेस्ट इसी का है। इधर आप देखो फ्रंट में दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, ये इतना स्पेस मिल जाएगा, मैगजीन होल्डर दोनों पे है। पैर की बात कर लें तो देखो नी रूम आपको सफिशिएंट मिलेगा, थाई रूम और लेग रूम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एसी के वेंट आपको रियर मिलते हैं, एक टाइप सी पोर्ट, बाकी इधर से आप एयर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड थोड़ा सा हम्प देखने को मिलेगा। फ्रंट का डैशबोर्ड आपको सेकंड रो से कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया है। सीट्स की बात कर ली जाए तो आपको 60-40 स्प्लिट में सेकंड रो देखने को मिलेगी, यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट है लेकिन दो ही हैं, तीसरा एडजस्टेबल नहीं है। बाकी कप होल्डर देख लो आप, यहाँ पे आपको कप होल्डर देखो दिख रहा है, ये देखो कप होल्डर आपको देखने को मिल जाएगा। तीनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट ऑफर करी जाती है, प्लस साथ ही साथ आपको यहाँ देखो आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट, यहाँ दिख रहा है आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी देखने को मिल जाएगा। बाकी ये रही आपकी थर्ड रो, अभी चलते हैं उधर। केबिन लाइट आपकी सेकंड रो थर्ड रो के लिए कॉमन है लेकिन LED में है। ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे, इधर भी आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाएगा। अब देखो अगर थर्ड रो में आपको चलना है ना तो थर्ड रो में जाने के लिए आपको सीट करनी पड़ेगी टंबल, लेकिन इधर की सीट नहीं होगी, उधर 40 वाली सीट टंबल होगी, तो चलते हैं उधर से टंबल कर लेते हैं। टंबल करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे एक लीवर दिया है, सिंपल सा आप इस लीवर को ऊपर खींचे, ये सीट अपने आप टंबल हो जाएगी। बटन वाला होता तो ज़्यादा अच्छा था। अब आप यहाँ से चढ़ सकते हैं, चढ़ने के बाद पहले तो आप सीट देख लो, ठीक है। ये सीट देख लो आपको, ये बेंच सीट देखने को मिलेंगी, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, दोनों के लिए सीट बेल्ट है। इधर एक आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पेस है, उधर कोई भी चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके सीटिंग पोस्चर की, तो हालांकि इस गाड़ी में आपको नी रूम, लेग रूम, थर्ड रूम में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्यों बाकी गाड़ियों से मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल इसमें लग रहा है सीटिंग में। हालांकि उतना कंफर्टेबल नहीं है लेकिन फिर भी कंफर्टेबल और गाड़ियों से कंपेयर करें तो लगता है। बाकी थर्ड रो में देख लो कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड देखने को मिलने वाला है। तो बाकी और कुछ थर्ड रो में है नहीं, अब समय है इंजन देख लेने का। इंजन आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इस कार में आपको 2.2 लीटर M-Hawk टर्बो डीजल इंजन देखने को मिलेगा, 4 सिलेंडर है, 130 BHP की पावर देगा, 300 Nm का टॉर्क देगा, महाकाय इंजन है, देख रहे हो इंजन का साइज। बाकी ऊपर आपको मस्त इंसुलेशन और डैम्पिंग वगैरह प्रोवाइड करी जाती है जो काफ़ी बढ़िया है। एक हाइड्रोलिक स्ट्रट की बस कमी रह गई है इस बोनेट में। तो दोस्तों ये था आपका स्कॉर्पियो N Z4 डीजल मैनुअल वाला वेरिएंट, 18 लाख ऑन रोड आपको पड़ जाएगा। अब आप बताइए कि 18 लाख के लायक ये कार है कि नहीं है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।